देखिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अपने लोग कर रहे थे, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड गुडविल अपना चैप्टर था। फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल का अपने लोग को बहुत सारा मेथड आप लोगों को बताए थे, अगर आप लोगों को याद होगा तो उसमें से एक पास्ट प्रॉफिट मेथड था। रिमेंबर पास्ट प्रॉफिट मेथड के बेसिस में देर आर फोर टाइप्स ऑफ मेथड, दैट इज फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकेंड सुपर प्रॉफिट मेथड, नेक्स्ट में कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, और नेक्स्ट में था एनविटी मेथड। ठीक है, ऑलरेडी लास्ट क्लास अपने लोग एवरेज प्रॉफिट पढ़ चुके हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का कैलकुलेशन कैसे होता है, गुडविल इक्वल टू एवरेज, क्या वर्ड था बताइए, मेंटेनेबल प्रॉफिट, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। क्लियर है, एनवाईपी नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस, ये क्वेश्चन में गिवन रहता है तो ये अपने को निकालना नहीं है। अपने को निकालना क्या है, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट। एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे करके निकलता है, तो यहाँ पर बहुत सारा वर्किंग है, यही मेन है। ईयर्स गिवन रहता है 1, 2, 3। सबसे पहले आपको पीबीटी लेना है, क्या लेना है, पीबीटी मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर पैट गिवन है और टैक्स गिवन है तो टैक्स को एडेड बैक करके आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है। टैक्स नहीं गिवन है तो इग्नोर टैक्सेशन मान लीजिएगा और वही प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन हो जाएगा। इसको दिखाना है। अब इसमें से जो भी नॉन ऑपरेटिंग नेचर का इनकम और एक्सपेंसेस होगा उसको अपने लोग यहाँ से हटाएंगे। हटाने का मतलब इसमें इनकॉर्ड नहीं करना है। क्लियर है, तो इसका मतलब सर ये तो ऑलरेडी नेट प्रॉफिट है, टैक्स से पहले है, तो जितना भी खर्चा सबका सब लेस हो गया है ना, ऑपरेटिंग नेचर भी लेस हुआ और नॉन ऑपरेटिंग भी लेस हुआ है, तो अपने को तो नॉन ऑपरेटिंग नहीं लेना था, तो वो सब खर्चा क्या करेंगे बताइए, ऐड बैक कर देंगे। तो जो भी मेरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ये सब ऐड हो जाएगा। अगर आप लोगों को याद होगा तो क्या क्या था बताइए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन, एबनॉर्मल लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, इस तरह से था है ना, गुडविल रिटर्न ऑफ वगैरह ये सब वो सब। उसके बाद लेस में क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वगैरह है ना, जो आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, एबनॉर्मल गेन वगैरह, कोई रेक्टिफिकेशन एरर्स वगैरह रहा जो प्रॉफिट को इम्पैक्ट किया है वो चेंज करेंगे, अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, जो भी प्रॉफिट को इम्पैक्ट किया है 3 साल का उसको करेक्ट करना है। क्या करना है, ये कर लेने के बाद में आपका निकल जाता है प्रॉफिट है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता है। बट अब यहाँ क्या करना है, फिर एवरेजिंग करना है। क्या करना है, एवरेजिंग करने के लिए मैंने आपको बताया था 2 तरह के एवरेज होते हैं, एक होता है सिंपल एवरेज और एक होता है, अगर क्वेश्चन में वेटेड बोल दिया है या सिंपल बोल दिया, यू हैव टू फॉलो द क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है देन यू हैव टू चेक, क्या चेक करना है, ट्रेंड चेक करना है, ट्रेंड। यहाँ 3 साल का प्रॉफिट गिवन रहेगा तो ट्रेंड का मतलब या तो अपवर्ड ट्रेंड पे प्रॉफिट भागेगा मतलब हर साल बढ़ेगा, या तो हर साल घटेगा, तो कौन सा एवरेज लेना होगा, वेटेड एवरेज लेना होगा। वेटेड एवरेज कैसे करते हैं आपको पता है, यहाँ वेट लेना पड़ेगा 1 × 2 × 3 और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, राइट, सम ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स दैट इज डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, वो हो जाएगा वेटेड एवरेज। सिंपल का मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 3, वो सिंपल एवरेज होता है। ट्रेंड रहेगा अपवर्ड या डाउनवर्ड, वेटेड एवरेज। ट्रेंड नहीं रहा, सिंपल एवरेज। क्लियर हो गया, तो ये एवरेज प्रॉफिट आपने यहां से निकाल लिया। अब एवरेज प्रॉफिट निकाल लेने के बाद में भी यही आंसर है क्या, अब इसमें से चेक करेंगे कोई फ्यूचर का एक्सपेंसेस या इनकम होने वाला रहेगा तो वो भी क्या होगा, यहाँ पे ऐड होगा या तो फिर लेस होगा। कोई फ्यूचर का एक्सपेंसेस, ऐसा एक्सपेंसेस जो अभी तो हो रहा है वो एज इट इज आपने यहाँ पे सबका एवरेज ले लिया है, कुछ ऐसा एडिशनल एक्सपेंडिचर जो फ्यूचर में आपको इनकर करने का प्लान है तो वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। कोई ऐसा इनकम जो आपका फ्यूचर में ऐड होने का प्लान है, इनकम मिलने का प्लान है, वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसके अलावा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने आपको बताया कि आपका प्रोपराइटर सैलरी हो गया, कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अब जैसे कि मान लीजिए कोई एक बंदा जॉब कर रहा है, जॉब करके उसको 50,000 महीना मिल रहा है, राइट, अब वो जॉब छोड़ के अब वो बिजनेस करना चाह रहा है, तो बिजनेस में मिनिमम कम से कम कितना कमाना चाहिए उसको, 50,000 मिनिमम कितना कमाना चाहिए, 50,000। अगर वहां से उसको 50,000 मिल रहा है
और यहाँ बिजनेस उसको 30,000 रुपये आ रहा है, तो उसका लॉस है या प्रॉफिट है? लॉस है, उसका 20,000 का लॉस हो रहा है। तो ये 50,000 उस बंदे के लिए क्या है? एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया कि इससे ज़्यादा हमको कमाना है। आप लोग का भी लाइफ आएगा आगे, आप लोग भी आगे चल के पैसा कमाओगे, जॉब करोगे। तो ऑलवेज गो फॉर द अप। पैसा इतना कमा रहे हो, फिर सोचोगे हमको इससे ज़्यादा कमाना है, इससे ज़्यादा कमाना है, और इतना कमाओगे बाकी सब चीज़ को भी देख लेना। ज़्यादा कमाने जाओगे वही वो तो मिल जाएगा लेकिन आपको, लेकिन बाकी सब चीज़ें में क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम हो जाएगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, लॉट्स ऑफ थिंग आपको बियर करनी पड़ेगी, सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, रिलेशनशिप वगैरह बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो सिर्फ पैसे के पीछे नहीं जाना है, समझ रहे? इतना कमाना है ज़रूरत पूरा हो जाए, किसी दूसरे से मांगने की ज़रूरत ना पड़े। मतलब देने की उम्मीद रहे, लेने की उम्मीद बस। क्लियर है? तो सर ये अपने लोग यहाँ से एवरेज प्रॉफिट निकाल लिए, यही एवरेज प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, निकल जाता है गुडविल। क्लियर है? नाउ सुपर प्रॉफिट में आते हैं। तो हेडिंग पे लिखे सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या है? सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट में गुडविल निकलता है। वहां पे लिखिए वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल टू, वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल टू, वहां एवरेज प्रॉफिट था, यहां होगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। इसका वीडियो हुआ था ना फर्स्ट क्लास में, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। अब ये सुपर प्रॉफिट क्या है, है ना? सुपर प्रॉफिट क्या है? आप लोग पढ़े होंगे 12th पे। इसका एग्जांपल आप लोगों को हम देते हैं। मान लीजिए कि हम एक बिजनेस स्टार्ट किए, ठीक है? बिजनेस में मैंने 10,00,000 रुपए लगाया। कितना रुपया? 10,00,000 रुपया हमसे एक बिजनेस स्टार्ट किए। 10,00,000 रुपया इज नॉट अ बिग मनी फॉर एनी बिजनेस, बट इट इज गुड, ठीक है? एवरेज मनी में 10,00,000 रुपया लेके आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो 10,00,000 से मैंने स्टार्ट किया, लेकिन बिजनेस में मेरा कैपिटल रोटेशन सिर्फ 8,00,000 का हुआ। कितना का हुआ? मतलब 2,00,000 रुपया हम कहीं पे रिजर्व वगैरह पे रखे हैं, उसको हम रोटेट वगैरह यूज अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा इफेक्टिव कैपिटल कितना हुआ? 10,00,000 या 8,00,000? 8,00,000। तो हमको जो रिटर्न मिलेगा, रिटर्न मिलेगा वो कितने पे मिलेगा? 10,00,000 पे, 8,00,000 पे? 8,00,000 पे। आप जितना पैसा कमा रहे हो उसमें से आप 80% इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इंटरेस्ट जो मिलेगा वो क्या 100 पे मिलेगा? जितना 80 है उस पे मिलेगा ना। तो यहाँ पर भी बिजनेस समझ में आ रहा ना? 10,00,000 का कैपिटल लगाएं, लेकिन रोटेशनल कैपिटल कितना है? 8,00,000, ठीक है? अब नॉर्मल ट्रेंड ऑफ बिजनेस 10% है। कितना परसेंट है? मतलब 10% प्रॉफिट व्यापारी लोग, जो मेरा नेचर ऑफ बिजनेस है, सब कमाते हैं। मान लीजिए रेस्टोरेंट फील्ड पे हैं, 10% मिनिमम हम अपना प्रॉफिट कमाते हैं। क्लियर है? रेस्टोरेंट में ज़्यादा होता है, नियर अबाउट 50% होती है। मान लीजिए 50% प्रॉफिट हम कमाते हैं, तो 8,00,000 रुपया अगर हम लगा रहे हैं तो हमको प्रॉफिट कितना कमाना है? 4,00,000, 50%। एक साल में मेरा 4,00,000 रुपया इनकम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दिस इज वॉट माई एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, दिस इज वॉट माई एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। इतना हमको उम्मीद है कि अगर इस नेचर ऑफ बिजनेस कर रहे हैं तो जो नॉर्मल ट्रेंड में सब लोग 50% कमा रहा है, इस रेस्टोरेंट बिजनेस से हम भी एटलीस्ट 50% कमाएंगे। तो 8,00,000 रुपया लगाएंगे तो हम साल में कितना कमाएंगे? 4,00,000 रुपया मिनिमम हम कमाएंगे। दिस इज व्हाट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, विच इज नोन एज नॉर्मल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट, जिसको बोला जाता है जितना कैपिटल रहा और जितना रेट ऑफ रिटर्न, जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट, मेरा प्रॉफिट, कि हम जितना कैपिटल लगा रहे हैं हमको इसे इतना मिलना चाहिए। दैट्स माई नॉर्मल, समझ में आ रहा ना? इतना हमको मिलना चाहिए 4,00,000 रुपया। अब हम अपना एवरेज प्रॉफिट निकाल के देख रहे हैं, पिछला 3 साल का पूरा चिट्ठा निकाल के देख रहे हैं। तो 3 साल में फर्स्ट ईयर में हम 3,00,000 कमाए, फिर 5,00,000 कमाया, फिर 8,00,000 रुपया कमा रहे, इस तरह से मेरा एवरेज हुआ है। तो एवरेज प्रॉफिट निकाल के हम देख रहे हैं तो मेरा प्रॉफिट 5,50,000 रुपया आ गया। कितना आ गया? लेकिन मेरे हिसाब से कितना आना चाहिए था? 4,00,000। लेकिन हम एवरेज में क्या किए? ज़्यादा कमा लिए। एवरेज में क्या किए हम? ज़्यादा कमा लिए। तो नॉर्मल से ऊपर, नॉर्मल था कितना? 4,00,000। लेकिन हमने कमाया कितना? 5,50,000। हमने कमाया कितना? 5,50,000। नॉर्मल कितना था?
4 लाख तो नॉर्मल से ऊपर, नॉर्मल से ऊपर मतलब सुपर, देख रहे हैं, नॉर्मल से ऊपर मतलब सुपर, तो सुपर प्रॉफिट मेरा कितना हो गया, 1.5 लाख रुपया हो गया, क्लियर है। तो गुडविल एक्चुअल पे अगर मेरे हिसाब से बोलिएगा अप्रोप्रिएट दिस, ये है सुपर प्रॉफिट, बिकॉज ये तो प्रॉफिट आपने कमा रहे तो नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रोसीजर का, मार्केट से जितना आपने एक्स्ट्रा अर्न किया, इसका मतलब मार्केट जितना लेवल ऑफ एफर्ट दे रहा है आप उससे कहीं ज्यादा लेवल ऑफ एफर्ट दे रहे हैं, आप रिस्क ज्यादा ले रहे हैं इसलिए रिटर्न भी आपका ज्यादा है, तो बाकी सबसे भी गुडविल क्या होगा आपका ज्यादा होगा, क्लियर है। एक ट्रू अकाउंटेंट जो रहेगा ना, जो बुक्स को अंडरस्टैंड करता है, समझता है, अकाउंट्स को समझता है ना, वो एक एक एंट्री से एक एक चीज से ना उसका पूरा कुंडली निकाल के बैठ जाएगा, पूरा क्या किया नहीं किया पूरा उसका दिमाग में आ जाएगा। तो ये गुडविल का चीज से अगर सुपर प्रॉफिट 4 लाख, सॉरी एवरेज प्रॉफिट 5.5 लाख है, नॉर्मल 4 लाख रुपये, तो 1.5 लाख रुपये क्या हो गया, सुपर हो गया। अब नंबर ऑफ ईयर मान लिए 5 ईयर्स है, तो 1.5 लाख × 5 7.5 लाख रुपये का क्या हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा, क्लियर है। तो गुडविल का मतलब क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा। नाउ सुपर प्रॉफिट इक्वल टू, सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है, तो सुपर प्रॉफिट आता है एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, क्लियर है, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, क्लियर है। एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट ऑलरेडी इस वर्किंग में अपने लोग सीख चुके हैं, सेम कैलकुलेशन होगा जैसे आपने अभी पहले सीखा एवरेज प्रॉफिट का, यही एवरेज प्रॉफिट में जो आपने इसका कैलकुलेशन जो आप लोगों को मैंने बताया लास्ट क्लास पे, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट एज इट इज सेम यहां पर भी बैठेगा वही, तो इसको अलग से हमको निकालने की फिर से जरूरत नहीं, वही वर्किंग से ये भी काम हो जाएगा। हाँ, अपने को करना क्या है सर, क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट याद करिए, मेरा एग्जांपल कैसा था, 8 लाख रुपए का कैपिटल था, उसे मैंने कुछ मल्टीप्लाई किया था, कितना परसेंट मल्टीप्लाई किया था, 50%, तो वो 50% क्या था मेरा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है, जितना सब कमा रहा है, जितना सब कमा रहा है, जो नॉर्मल रेट है मेरा, जो एक्सपेक्टेड रेट है, जितना हमको अर्न करना चाहिए था, दैट इज माय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, क्लियर है। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न में क्या है सर, अब इसके अंदर में भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है मार्केट रेट, कौन सा रेट, मतलब सब जो कमा रहा है, क्लियर है। तो मार्केट रेट मान लीजिए 40% है, और एक होता है रिस्क अवर्जन रेट, कौन सा रेट, रिस्क अवर्जन रेट, रिस्क आप अपना बिजनेस का रिस्क कितना एक्स्ट्रा ले रहे हैं मार्केट से। अगर मार्केट से आप ज्यादा रिस्क लेके काम कर रहे हैं, मतलब उधार में ज्यादा दे रहे हैं, समझ रहे हैं, क्रेडिट पीरियड ज्यादा दे रहे हैं आप, मार्केट एक साल एक महीना का दे रहा है आप 1.5 महीना का दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं आप जो ज्यादा, ये आप रिस्क ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ये सब रिस्क होता है। अगर आप रिस्क ज्यादा ले रहे हैं मार्केट से तो आपको रिटर्न भी क्या मिलना चाहिए, पढ़े हैं बिजनेस का रूल, मोर रिस्क मोर गेन, राइट। तो अगर आप रिस्क ज्यादा लीजिएगा तो रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। तो मार्केट का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 40% है, आपने एक्स्ट्रा रिस्क 10% लिया, कितना परसेंट लिया, तो आपके लिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा, 50% होगा, क्लियर है। तो क्वेश्चन में ये वाली जो रहेगी, तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू होता है सर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, क्या बोलते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू, ज़ूम कर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। यहां आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है सर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अगर हम आपको बोलेंगे तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न में दो तरह का आता है, एक आता है मार्केट रेट, कौन सा रेट, मार्केट रेट, और एक क्या आएगा, बिजनेस
रिक्स रेट, बिजनेस रिक्स रेट, ये दोनों को जोड़ के क्या निकल जाएगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकल जाएगा। क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली ये गिवन रहेगा, डोंट वरी, अगर क्वेश्चन में ये गिवन नहीं रहेगा तो क्या लेंगे, मार्केट रेट, और अगर रिस्क रेट बोलेगा तो दोनों को जोड़ के क्या बोलेंगे अपने लोग, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का एक और भी है, आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नहीं देगा ना, प्राइस अर्निंग रेशियो दे देगा, क्या दे देगा, बोल देगा 8 times, मतलब अर्निंग का प्राइस कितना है 8 times, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो जाएगा 1/PE ratio, क्या बताइए, मतलब वो पी रेशियो को 1 से डिवाइड करके इनटू 100 कर देंगे तो वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब मान लीजिए कि पी रेशियो क्वेश्चन में गिवन दे दिया, पी रेशियो इक्वल टू 8 times, क्या लिखा है, मतलब अर्निंग प्राइस का कितना है 8 गुना है, तो अपना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या हो जाएगा पता है, 1/8 × 100 कितना हो रहा, देखिए 12.5%, तो आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना हो जाएगा 12.5%। तीन चीज बता रहे हैं आपको, एक तो पहला ये दिया रहता है 70% केस में दिया रहता है, 5% केस में ये रहता है, और अगर ये नहीं रहेगा तो आपको पी रेशियो दे देगा, तो 1/PE ratio × 100 कर देंगे तो नॉर्मल रेट निकल जाएगा, क्लियर है, इससे ज्यादा इसमें और को खेला नहीं रहेगा। नहीं भाई, यही तो निकालना है। नाउ वर्किंग नोट आपका बेसिकली वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में दो रहेगा, एक वर्किंग नोट होगा कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का, और दूसरा होगा वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या होगा सर, तो लिखे कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, नाउ इसको निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का दो तरीका है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना, यार आप लोग अभी सीखे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना, ये बैलेंस शीट का डेटा गिवन रहता है, बैलेंस शीट में क्या क्या रहता है बताइए, तो फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स, यहाँ इक्विटी शेयर्स कैपिटल, प्रिफरेंशियल कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी, यही रहती है कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ दो मेथड से निकल सकता है, एक एसेट्स अप्रोच, कौन सा अप्रोच, और एक होता है लायबिलिटी अप्रोच, एक होगा एसेट्स अप्रोच और एक होगा लायबिलिटी अप्रोच, दो अप्रोच से आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो, ठीक है। मोस्ट प्रेफरेबल वुड बी एसेट्स अप्रोच, कौन सा अप्रोच, ठीक है, तो अपने लोग यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड में ए नंबर पे अभी करते हैं एसेट्स अप्रोच। अगर एसेट्स अप्रोच में जाएंगे तो क्या होगा, क्लियर है, तो एसेट्स अप्रोच में अगर जाएंगे तो यहाँ लेना पड़ेगा संडी एसेट्स, क्या बताइए, एसेट्स लेना पड़ेगा, सब एसेट्स को लेंगे, सब एसेट्स को लेंगे, ठीक है, लेकिन किसको छोड़कर, फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़कर और इन्वेस्टमेंट को छोड़कर, किसको छोड़कर, कौन सा इन्वेस्टमेंट, नॉन ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट, कौन सा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इंटरेस्ट अपने लोग वहां कंसिडर नहीं कर रहे थे तो इन्वेस्टमेंट भी कंसिडर्ड, इंटरेस्ट अपने लोग मेंटेनेबल प्रॉफिट में ले रहे थे तो इसका जब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे तो वहां पर भी अपने लोग इन्वेस्टमेंट को कंसिडर्ड नहीं करेंगे,
क्लियर है? तो संडी एसेट्स में सब आएगा, तो संडी एसेट्स के एक्चुअल में फॉर्मूला यही है, संडी एसेट्स लेस संडी लायबिलिटी, लेस संडी एसेट्स माइनस संडी लायबिलिटी इक्वल टू लेस करके क्या आ जाता है बताइए, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, लेस करके आ जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। बट नीचे में आइएगा, यहां पर एसेट्स में क्या लेना है बताइए, संडी एसेट्स डज नॉट इंक्लूड संडी एसेट्स डज नॉट इंक्लूड संडी एसेट्स डू नॉट इंक्लूड होगा संडी एसेट्स डू नॉट इंक्लूड इन्वेस्टमेंट नॉन ऑपरेटिंग नेचर, कौन सा नेचर, जो नॉन ऑपरेटिंग नेचर रहेगा वो इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे, एंड फिक्टिशियस एसेट्स, कौन सा एसेट्स, एंड फिक्टिशियस एसेट्स, संडी एसेट डज नॉट इंक्लूड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट्स, मतलब ये दोनों को कंसिडर्ड नहीं करेंगे, एसेट्स में सिर्फ फिक्स एसेट्स लेंगे और क्या लेंगे बताइए, करेंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स लेंगे और क्या लेंगे, करेंट, बट फिक्स एसेट्स में याद रखिएगा इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। ठीक है, इसके अलावा संडी लायबिलिटी में देखिए क्या है, ये दोनों ही मेरा लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी भी और नॉन करंट लायबिलिटी भी, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं लेते हैं बिकॉज दिस इज दी एक्सटर्नल लायबिलिटी, राइट? तो यहां संडी लायबिलिटी में आपको सिर्फ ये दोनों लेना है, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, क्लियर है? उसको आपको लेस कर देना है, क्या कर देना है, लेस कर देना है, समझ रहे हैं? तो यहां पर आप क्या करोगे बताओ, यहां पे लेस हो जाएगा, अच्छा यहां तो संडी लायबिलिटी तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो संडी लायबिलिटी में क्या आ जाएगा, करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, नहीं ये तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेना, नॉन करंट लेस नहीं होगा, सॉरी संडी लायबिलिटी मींस ओनली करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी उसमें आएगा लायबिलिटी अप्रोच में। तो अपने लोग क्या लिए बताइए, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स और क्या लिए, करंट लायबिलिटी। ठीक है, फिक्स एसेट्स को लेना, करंट एसेट्स को लेना और करंट लायबिलिटी को लेना है, तो ये लेस हो गया, अपना लेस हो गया, क्या निकल जाएगा सर, कैपिटल एम्प्लॉयड। बट यहां पर जो भी एसेट्स लेंगे एसेट्स मस्ट बी वैल्यूड आफ्टर रेक्टिफिकेशन रीवैल्यूएशन और रेक्टिफिकेशन आफ्टर रेक्टिफिकेशन रीवैल्यूएशन और एरर्स। एसेट्स को जो भी लेना होगा एसेट्स लायबिलिटी को, वो रेक्टिफिकेशन रीवैल्यूएशन के बाद लेना होगा, मतलब कोई प्लांट एंड मशीन था वो रिकॉर्ड नहीं था तो अभी आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, है ना, कोई परचेस किए थे आप मशीन में रिकॉर्ड नहीं है वो उसमें ऐड करेंगे, कोई रिपेयर्स हुआ था आपने मशीन में चार्ज कर दिया तो वहां से लेस करेंगे, समझ रहे हैं, जो भी अगर एरर्स वगैरह था जो भी रेक्टिफिकेशन था वो भी उसको हटा के करेंगे, डिप्रिशिएशन भी अगर रहेगा तो भी लेस करके देंगे। अगर मान लीजिए कोई एसेट्स का वैल्यू बढ़ गया तो वो रिवैल्यूएशन फिगर लेंगे, कौन सा फिगर लेंगे, रिवैल्यूएशन फिगर लेंगे, समझ रहे हैं? अब ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकला ना सर, इसको क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं, नॉट एवरेज, क्या बोलते हैं इसको क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। ठीक है, बट अपने को क्या निकालना है, अपना वर्ड क्या है, एवरेज। ठीक है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे करके निकालते हैं, एवरेज देखिए, अच्छा ये मेरा एसेट्स अप्रोच हो गया, लायबिलिटी अप्रोच पहले कर लेते हैं, लायबिलिटी अप्रोच में क्या आएगा,
तो लायबिलिटी अप्रोच में जो जो छोड़ दिए आप, जो जो छोड़ दिए आप, इन्वेस्टमेंट अपने लोग तो लेते ही नहीं है, तो क्या क्या छोड़े बताइए, इक्विटी शेयर्स, प्रिफरेंशियल रिजर्व सरप्लस, नॉन करेंट लायबिलिटी, और लेस क्या हो जाएगा, फिक्टिशियस एसेट्स, लेस क्या होगा, फिक्टिशियस एसेट्स। तो लायबिलिटी में क्या आ जाता है, इक्विटी शेयर्स कैपिटल प्लस प्रिफरेंस शेयर्स कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, और प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट, ये नॉन करेंट लायबिलिटी में क्या आएगा, डिबेंचर प्लस लोन, ये यहां पे आएगा, और इससे माइनस क्या हो जाएगा बताइए, फिक्टिशियस एसेट्स, कौन सा एसेट्स, अच्छा फिक्टिशियस एसेट्स पता है आप लोग को, पीएल डेबिट बैलेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, डिस्काउंट, तो ये ऐड होगा सब, और ये वाली जो फिगर ये से लेस हो जाएगी, ये इक्वल टू भी क्या निकल जाएगा बताइए, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, ये निकल जाएगा क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सर अमाउंट सेम ही आएगा, अमाउंट सेम आएगा कि नहीं आएगा बताइए, सेम आएगा, आप इन लोग दोनों को जोड़ रहे हैं इससे लेस कर दे रहे हैं, ये एक अमाउंट आया, इसको जोड़ रहे हैं इससे लेस कर दे रहे हैं, अमाउंट सेम आएगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कंसिडर नहीं कर रहे हैं, अगर इन्वेस्टमेंट रहेगा तो इससे लेस कर देंगे, ऐसा सम मिलेगा तो अपने लोग करेंगे, अभी जरूरत नहीं है। यहाँ पे आइए सर, एसेट्स हो गया, लायबिलिटी हो गया, बट ये क्लोजिंग निकला है, नॉट एवरेज, एवरेज रहेगा तो कैसे करेंगे, एवरेज कैसे करके निकालते हैं, इसको मिटा ये वाला, देखिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, तो एवरेज में एवरेज कब करेंगे, जब मान लीजिए आपको क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरह का डेटा गिवन है, अगर कैपिटल एम्प्लॉयड आपको मोर देन 3 इयर्स या मोर देन 2 इयर्स का दे दिया, क्या दे दिया, मोर देन 2 इयर्स, 2 साल से ज्यादा का दे दिया सर, तो आप एवरेज कैसे करोगे, जैसे यहां किए थे आपने, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड 3 साल का दे दिया, कितना साल का, तो आप ऐसा कितना साल तक करोगे, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ये करेंगे तो 3 साल का, ये लेस करके तो 3 साल का आ जाएगा, अब 3 साल का एवरेज करेंगे, तो जब 3 साल का एवरेज करेंगे तो फिर यहां से क्या फंड आएगा, सिंपल एवरेज या फिर वेटेड एवरेज, अगर मोर देन 2 इयर्स है, मान लीजिए यहाँ पे 3 इयर्स और मोर, क्या बोलेंगे, 3 इयर्स और मोर, 3 साल से ज्यादा का रहेगा, तो यहां पर क्या चेक करेंगे बताइए, ट्रेंड, अगर क्वेश्चन ने बोल दिया तो ऐसे ठीक है, अगर नहीं बोला तो ट्रेंड चेक करेंगे, अगर ट्रेंड क्या रहेगा, या तो अपवर्ड रहेगा या फिर डाउनवर्ड रहेगा, तो क्या अप्लाई करेंगे, वेटेड, और ये अगर कोई ट्रेंड नहीं है, नो ट्रेंड, तो क्या अप्लाई हो जाएगा, सिंपल, याद रहेगा, 3 साल का डेटा है, तो जैसे आपने वहां किया था एवरेज, यहां भी वैसे करोगे, ट्रेंड में अगर कैपिटल एम्प्लॉयड भी बढ़ रहा है, जैसे प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो एवरेज कौन सा लेना बेटर है, वेटेड, अगर कैपिटल 3 साल का नहीं है मान लीजिए, या कोई ट्रेंड वगैरह नहीं है, तो कौन सा लीजिएगा, सिंपल एवरेज, अगर 2 साल का डेटा है, 2 इयर्स का डेटा है, अगर 2 साल का डेटा है, 2 साल का, तो 2 साल का अगर डेटा रहेगा तो कैसे एवरेज निकालोगे, तो यहां एवरेज सिंपल वेटेड करके फायदा नहीं है, सिंपल y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड बाय 2 यहां सिंपल ही लेंगे, है ना, अगर आप ऐसे करोगे तो भी सेम ही रहेगा, वेटेड यहां नहीं लेंगे, या क्या होगा, सिंपल हो जाएगा, लेकिन अगर 1 साल का डेटा दिया रहा है, 1 साल का, ओनली 1 ईयर का डेटा दिया रहेगा, तब एवरेज कैसे करोगे, वही क्लोजिंग वाला को एवरेज मान लोगे,
क्लोजिंग वालों को एवरेज मान लेंगे। क्लोजिंग का मतलब ये, क्लोजिंग का मतलब ये किस साइड में है? अगर ये आपका ईयर है, ये बिगनिंग रहता है राइट, ये रहता है जैन, ये रहता है दिसंबर, आप कैपिटल एम्प्लॉयड यहां पे निकाल ले हो, यहां पे। इज दिस एवरेज? इज दिस एवरेज? एवरेज कहां होना चाहिए? एवरेज यहां होना चाहिए था, समझ रहे हैं? तो यहां एवरेज कैसे निकलेगा? इंटू 6/12 एसेट से। एसेट आधा हो जाएगा, एसेट आधा होता है क्या? इसका मतलब ये मान रहे हैं कि छह महीना में आपका आधा एसेट्स था और छह महीना में आपका आधा बढ़ गया। एसेट्स ऐसा होता है, वो प्रॉफिट का आप इमेजिन कर रहे हो, छह महीना आधा आधा राइट। प्रॉफिट हो सकता है कि छह महीना अभी कमाए, छह महीना बाद में कमाए, एसेट्स आधा हो जाएगा। तो 6/12 कैसे कर दिया आपने? आप तो खड़े यहां पे राइट, आपको एवरेज कौन सा चाहिए? मिड का, जुलाई का, 30 जून का चाहिए राइट। लेकिन मिड में कैसे जाएंगे? एसेट्स को आधा कर देंगे। ये बिगनिंग का जो एसेट्स है, बिगनिंग का कैपिटल एम्प्लॉयड, और इसमें क्या चेंज हो जाता है? बिगनिंग का कैपिटल एम्प्लॉयड और इसमें क्या चेंज हो जाता है? कैसे चेंज होता है कैपिटल एम्प्लॉयड? एसेट्स और लायबिलिटी कैसे चेंज होता है? एक्सपेंस और इनकम का नेट रिजल्ट क्या आता है? प्रॉफिट। तो यहां से यहां तक का मेरा बिजनेस का क्या चेंज आता है? प्रॉफिट। तो हमको कैपिटल एम्प्लॉयड इस डेट का चाहिए, तो हम क्या कर देंगे? यहां से लेके यहां तक का जो मेरा प्रॉफिट है, हम इसे क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। मतलब जो आधा साल का प्रॉफिट है, वो आधा साल का प्रॉफिट को क्या करेंगे? लेस कर देंगे। तो क्या निकल जाएगा मेरा? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। कौन सा? अगर वन ईयर का डेटा रहा तो वन ईयर का डेटा के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए? क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड जो आपके पास था, उससे माइनस कर देंगे, लेस। लेस में लिखिए हाफ ऑफ रेक्टिफाइड पैड। क्या लिखेंगे? रेक्टिफाइड पैड ऑफ लास्ट ईयर। कौन सा ईयर का? ये निकल जाएगा एवरेज। इसको याद रखना है, इसको याद रखना है, इसको याद रखना है। बोलिए, कंफ्यूज? इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ था? सम करें, क्लियर हो जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड में भी कोई दिक्कत नहीं है, आप एसेट्स अप्रोच ही फॉलो करोगे। एसेट्स माइनस लायबिलिटी, जितना एसेट्स है सब छोड़, सब लेना है। क्या छोड़ के? इन्वेस्टमेंट, नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स और फिक्टिशियस को छोड़कर। एसेट्स में क्या लेना है? करंट लायबिलिटी लेना है, डिबेंचर और इसको कंसिडर्ड नहीं करते हैं। डिबेंचर और ये कहां पे लेस होता है बताइए? जब लायबिलिटी अप्रोच करेंगे उसमें ऐड हो जाएगा। यहां ले लिए तो वहां लेना पड़ेगा ना, कैपिटल एम्प्लॉयड पता आपको। तो सर, इक्विटी सेस, प्रिफरेंस, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करेंट लायबिलिटी, ये सब यहां पर आएगा है ना? ये यहां पर आके यहां बैठा लीजिए और फिक्टिशियस एसेट्स वहां से लेस कर देंगे, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया। कोई प्रॉब्लम हो गया? अब ये क्लोजिंग कैपिटल से एवरेज निकालना है। क्या निकालना है? तो एवरेज के लिए डेटा इज मोर इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट? क्या आपको डेटा कैसे दिया है? अगर डेटा आपको तीन साल या उसका ज्यादा दिया है तो ट्रेंड देखेंगे। क्या देखेंगे? अगर ट्रेंड अगर अपवर्ड डाउनवर्ड वहा, क्या लेंगे? वेटेड। कोई ट्रेंड नहीं है देन क्या होगा? सिंपल। क्लियर है? दो साल का डेटा दिया रहा, दो साल का, देन सिंपल एवरेज y1 + y2 / 2। एक साल का डेटा दिया रहा तो उसी को एवरेज मान लेंगे। एक साल का मतलब बिगनिंग से लेके एंड राइट। तो आप कहां पे खड़े हो? एंड पे। कहां पे खड़े हो? एंड पे। एवरेज कब होगा? एवरेज एवरेज कब होगा? बीच में। तो आपको एंड से बीच में जाना है, एंड से वापस बीच में जाना है, तो लेस करना पड़ेगा या ऐड करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। किसको लेस करेंगे? एसेट्स को, लायबिलिटी को। किसको लेस कर देंगे? प्रॉफिट को। प्रॉफिट को। आधा क्लियर हो गया? तो अब रेक्टिफाइड पैट का मतलब क्या हो गया? ये गिवेन है, ये पता कहां गिवेन है? ये देखिए, ये देखिए, ये वाला, ये जो थर्ड ईयर का था ना, यही वाली, यही क्या हो जाएगा? ये देखिए यहां पे जो आपने निकाला, ये वाला प्रॉफिट, ये तो पीबीटी है राइट। ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। इससे टैक्स अगर बोलेगा तो लेस कर देंगे, और अगर नहीं बोलेगा तो इसी का आधा वहां पे क्या हो जाएगा?
लेस हो जाएगा। नहीं समझे सर, ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, मतलब ये थर्ड ईयर लास्ट ईयर है, दिस इज ए लास्ट ईयर राइट, और यही मेरा है ना, अब रेक्टिफाइड वगैरह कुछ भी था नहीं था, एडजस्ट करके आप यही वाला बैठाएं तो फिर आपने एवरेज ले लिया, तो उससे पहले तक का यही प्रॉफिट तो है आपका जो लास्ट ईयर आपने अर्न किया कमाया राइट। तो ये अगर टैक्स अगर बोलेगा इस क्वेश्चन पे तो इससे टैक्स क्या करेंगे, लेस कर देंगे, दिस इज योर पैट, और वो कौन सा पैट है, रेक्टिफाइड पैट है, कौन सा ईयर का, प्रीवियस ईयर का, बट क्या इसका पूरा लेस कर देंगे, इसी का आधा यहां पे क्या हो जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में लेस हो जाएगा, क्या निकल जाएगा वो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या निकल जाएगा, क्लियर है, बोलिए, रेक्टिफाइड प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड मोर देन 2 इयर्स, तो फिर से नीचे अगर 2 साल से ज्यादा का कैपिटल एम्प्लॉयड है तो डेटा 3 साल से ज्यादा कैसे रहेगा, अबे 2 साल से ज्यादा मतलब कितना रहेगा, 3 साल तो 3 इयर्स और मोर, 3 इयर्स और मोर मतलब दोनों तो सेम हुआ, मोर दे देना और कब बंद करो